तेजस्वी, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ जो लोगों से मिला जनता से, पहले मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत कम समय में ये यात्रा जो है तय किया गया और एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है, लोग जो है उनके घर में बाल बच्चे जो हैं पढ़े जाते हैं और सुबह से ये यात्रा थी, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक चीज़ दिखाता कि लोगों को विश्वास है और जो विश्वास जताया है उस और जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है तो लोगों को अच्छा लगा है। और जो फिलहाल के जो राजनीतिक घटनाएं जो हुई हैं बिहार में, मतलब एक ही चीज़ कई बार रिपीट कर दी गई है, तो लोग इस चीज़ से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट मिले, कि कोई किसी को अगर मैंडेट मिला है तो वो 5 साल सरकार चलाए और जिसको मैंडेट दिया है उसके साथ जो है सरकार चलाए। लेकिन फिलहाल के दिनों में आप देखें तो मुख्यमंत्री जी ने 9 बार शपथ लिया और ये तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक साल एक टर्म में 3 बार शपथ ले लिया हूँ। और उसमें ताजुब लगता है कि भाई 3 स्पीकर आ गए, 3 स्पीकर भी 3 बार उन्होंने शपथ लिया, 5 उप मुख्यमंत्री भी उनके भाजपा के हो गए, हमको मिला ले तो 6 हो जाएंगे। तो ऐसा कभी किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होगा। जिसमें मैं लगातार आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब से गठबंधन अलग नीतीश जी हुए हैं इंडिया गठबंधन से, आप नाराज हैं, आपके चेहरे पे नाराजगी दिखती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं है नीतीश जी को लेकर के, आप उस तरीके का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही माइल्ड होकर के नीतीश जी पर हमला करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक मोह कहा जाए इसको? नहीं, मोह नहीं, एक रिस्पेक्ट है, एक बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनके नेतृत्व में 2 बार हमने ओथ लिया है तो जाहिर सी बात है काम किया है, तो उनको बोल करके कोई फायदा तो है नहीं। असली लड़ाई बिहार में तो 2 ही खेमा है, एक बीजेपी है, एक RJD है, जो असली 2 ताकतें हैं अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए, बाकी सबका कोई मतलब उस हिसाब का है नहीं बिहार में। तो असली लड़ाई हम भाजपा से लड़ते हैं और भाजपा हमसे लड़ती है। और नीतीश जी की जहाँ तक बात है, ठीक है, अब तो कितना दिन ऐसा चलता रहेगा, अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। और हमने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है और 2024 में आप देखिएगा ये पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब अचानक से उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया तेजस्वी नीतीश जी ने, चूंकि ये घटनाक्रम बिल्कुल तेजी से बदला और चूंकि मैं आपसे पहली बार बातचीत कर रही हूँ उसके बाद, क्या तेजस्वी यादव को इस बात का बुरा लगा कि जब सब कुछ ठीक था अचानक वो बदल जाते? आप हर उस मीटिंग में उनके साथ थे इंडिया गठबंधन की, चाहे वो दिल्ली में हुई हो, पटना में हुई हो या बाकी जगहों पर हुई हो, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया मैं चूंकि पहली बार ले रही हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, दुख इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, मैंडेट जो था 2020 में हमें 114 सीटें मिली थी और 122 पे मेजॉरिटी चाहिए, हालांकि हमारा मानना है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी की गई थी, हमारे वोटों की चोरी हुई थी, ठीक वैसे ही चोरी हुई थी जैसे कि चंडीगढ़ में चोरी हुई, बैलेट पेपर कुछ 12 वोट से हारे, कुछ 50 वोट से हारे, ऐसे 10 से 12 वोट, फिर भी हमारा जो मैंडेट था आफ्टर ऑल व्हाटएवर वी एक्सेप्टेड विपक्ष में बैठने का, फिर भी अगर हम 17 महीने सरकार में आ गए और हमने अपने एजेंडे का काम अगर लागू कर दिया तो आई एम मोर हैप्पी कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो कम से कम 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। और वही मुख्यमंत्री जी 20 में तो आप उस समय थी, सारा कवरेज वगैरह करती थी, तो उस समय मुख्यमंत्री कहते थे कि कहाँ से लाएगा नौकरी, कहाँ से पैसा लाएगा, ये असंभव है, नहीं हो सकता। भाजपा के लोग भी पहले बोलते थे, लेकिन निर्मला जी आती हैं, अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है, उसमें वो 19 लाख कहती हैं, हालांकि सरकारी नौकरी के बारे में नहीं कहती, रोजगार कैसे वो करेंगी सृजन इसके बारे में वो कहती हैं। तो हमने तो जो 17 महीने रहा है उसका काम किया है, लेकिन ये तो कोई बहुत ही महारथी वाला काम तो नीतीश जी ने किया नहीं कि भाई आप जो है कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, अगर आपको आना है तो
पूरी बहुमत लेके रहो, अपने आप से रहो, आपको उससे शिकायत है, आपको इससे शिकायत है, लेकिन इस बार तो कोई रीजन ही नहीं था। मतलब कोई एक ठोस रीजन तो होना चाहिए कि आप भाई आए क्यों गए क्यों, आप यहाँ आए क्योंकि आपके पास रीजन था, आपने जिस हिसाब से लोटस ऑपरेशन चल रहा था तो इनका कहना था कि हमारे पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और एक देश के विपक्ष को गोलबंद करके हमको इनको रोकना है, तो आपके पास एक एजेंडा था और हम नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों का दबाव था, सारे देश भर के विपक्षी बड़े नेता जितने थे कि भाई जो चल रहा है इससे एक अच्छा माहौल जो है वो बनेगा, तो हमने फिर एक्सेप्ट किया इनको। और लेकिन एक शर्त ज़रूर थी नौकरी वाली, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।